जीप इंडिया की लाइनअप में अभी सिर्फ कंपस ही एक ऐसी एसयूवी है जो कि मास मार्केट प्रोडक्ट कहलाई जा सकती है, वरना इनकी बाकी एसयूवीज ग्रैंड चिरोकी और रैंगलर बहुत ही कम बिकती हैं, ऑलमोस्ट ना के बराबर। लेकिन फिर भी जीप इंडिया कंपस के फेसलिफ्ट को इंडिया में जल्द लॉन्च कर सकती है, और आज इसी के बारे में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो काफ़ी टाइम से ये स्पेकुलेशंस और रूमर्स इंडियन मार्केट में थे कि जीप इसी साल कंपस के फेसलिफ्ट को इंडिया में लॉन्च करेगा, जिसमें हमें काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। लेकिन कोविड-19 के कारण पूरी ऑटो इंडस्ट्री के प्लान्स अब पोस्टपोन हो चुके हैं, और इसीलिए कंपस का फेसलिफ्ट मॉडल हमें अगले साल इंडिया में लॉन्च होता हुआ दिखेगा। चलिए फिर कंपस फेसलिफ्ट के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन मुझे पता है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले एक्सटीरियर्स की बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे हमें। इस इमेज में आप कंपस के फ्रंट एंड को देख सकते हैं, जहाँ पर काफ़ी सारे डिज़ाइन चेंजेस किए गए हैं। हेडलाइट्स का डिज़ाइन अब स्लीक कर दिया गया है, बम्पर्स भी डिफरेंट है, नए डिज़ाइन पैटर्न के साथ आएंगे। फॉग लैम्प हाउसिंग भी चेंज कर दी गई है, लेकिन ग्रिल का डिज़ाइन सिमिलर है अभी की कंपस जैसा, क्योंकि ये तो खासियत है जीप की एसयूवीज की, उनकी सिग्नेचर 7-स्लॉट ग्रिल। साथ ही साथ फेसलिफ्ट कंपस में आपको नए डिज़ाइन के एलॉय व्हील्स भी मिलेंगे। एलॉय व्हील्स में भी डिफरेंट डिज़ाइन होंगे हर वेरिएंट में, जैसे कि अभी के मॉडल में हैं। अब दूसरी इमेज की बात करते हैं। इस इमेज में आप फेसलिफ्टेड मॉडल के रियर एंड को देख सकते हैं। यहाँ पर भी डिज़ाइन थोड़ा बदला गया है, टेल लाइट्स अब थोड़ी स्लीक डिज़ाइन के साथ आएंगी, एलईडीज होंगी ये सब। रियर बम्पर भी डिफरेंट है और थोड़ा छोटा है हाइट में, मतलब कि ऑफ रोडिंग में अब कंपस का डिपार्चर एंगल बढ़ जाएगा इस नए डिज़ाइन बम्पर के कारण। इन चेंजेस के अलावा कुछ खास चेंज नहीं देखने को मिला हमें इसके रियर एंड में। अब बात करते हैं इंटीरियर्स की। तो इंटीरियर्स में सबसे बड़ा चेंज जो होने वाला है वो होगा एक नई टच स्क्रीन के रूप में। जी हाँ, जीप इंडिया ने ये कंफर्म कर दिया है कि फेसलिफ्टेड कंपस में हमें उनका नेक्स्ट जनरेशन यू कनेक्ट इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, जिसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, नेविगेशन और कनेक्टेड कार टेक के फीचर्स शामिल होंगे। बाकी चेंजेस की बात करूँ तो एक नया फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पावर फ्रंट पैसेंजर सीट, नए डिज़ाइन की अपोस्ट्री भी दी जा सकती है। अब बात करते हैं इंजन्स के बारे में। इसमें आपको सेम करंटली मिलने वाले इंजन्स ही मिलेंगे, जो कि हैं 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, जो कि 163 पीएस की पीक पावर और 250 एनएम का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इस इंजन के साथ आपको 6 स्पीड मैनुअल और 7 स्पीड डुअल क्लच ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स के ऑप्शंस मिलते हैं। और दूसरा इंजन होगा 2 लीटर टर्बो डीजल इंजन, जो कि 173 पीएस की पीक पावर और 350 एनएम का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इस इंजन के साथ आपको 6 स्पीड मैनुअल और 9 स्पीड ZF टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के ऑप्शंस मिलेंगे, और सिर्फ डीजल इंजन के साथ ही आपको 4 व्हील ड्राइव का ऑप्शन मिलता है और आगे भी मिलेगा, पेट्रोल में सिर्फ 2 व्हील ड्राइव के साथ आपको मिलेगी। अब मैं आपको इसमें कौन से फीचर्स मिलेंगे उनके बारे में बता देता हूँ। तो फेसलिफ्टेड कंपस में आपको 12.3 इंच की मैसिव साइज की टच स्क्रीन, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, कनेक्टेड कार टेक, रिमोट कमांड्स, पावर फ्रंट सीट्स, लेदर रैप स्टेयरिंग व्हील एंड गियर नॉब, स्टेयरिंग माउंटेड ऑडियो, MID एंड क्रूज कंट्रोल्स, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, डुअल जोन ऑटोमेटिक AC, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड, ऑटोमेटिक LED हेडलैम्प्स, LED DRLs, रेन सेंसिंग वाइपर्स, फ्रंट आर्मरेस्ट, रेयर रिक्लाइनिंग सीट्स, रेयर सीट ब्लाइंड्स, रेयर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर्स, टेरेन रिस्पॉन्स सिस्टम, ड्राइव मोड्स, 18 इंच डुअल टोन अलॉयज, LED टेल लाइट्स, 360 डिग्री कैमरास, फ्रंट एंड रेयर पार्किंग सेंसर्स, 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, ट्रैक्शन कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट, ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स, रियर फॉग लैंप्स जैसे फीचर्स आपको इसमें मिलेंगे। अब आखिर में इसके प्राइजेज और लॉन्च डेट की बात करूं, तो प्राइजेज में हमें थोड़ा इंक्रीज देखने को मिल सकता है, और करीब 16,80,000 से 28,00,000 तक ये SUV प्राइस की जा सकती है।
और इंडिया लॉन्च डेट की बात करूं तो इसको 2021 के फर्स्ट क्वार्टर में लॉन्च कर दिया जाना चाहिए, और लॉन्च होने के बाद ये टाटा हैरियर, एमजी हेक्टर और हेक्टर प्लस, अपकमिंग न्यू एक्सयूवी 500, सिट्रोइन C5 एयरक्रॉस और हुंडई टूसॉन जैसी एसयूवीज के साथ कम्पीट करेगी। तो ये थी मेरी तरफ से 2021 जीप कंपस फेसलिफ्ट से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसी ही वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया।